नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। बिहार में नॉमिनेशन के इस अंदाज को देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। मर्सिडीज और ओडी के जमाने में भैंस पर सवार होकर बिहार पीलीगंज के उम्मीदवार रविंद्र प्रसाद नामांकन भरने पहुंचे। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। पहले चरण के चुनाव में 71 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इसको लेकर प्रत्याशी अपने अपने अंदाज में नामांकन कर रहे हैं। बिहार के जिन जिलों में पहले चरण के चुनाव होने हैं, वहां नामांकन करने वालों की भीड़ जुट रही है। प्रत्याशी गाड़ी घोड़ों और गाजे बाजे समेत अपने समर्थकों के साथ नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। इन सबके बीच पीलीगंज विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र प्रसाद अनोखे अंदाज में पीलीगंज अनुमंडल पहुंचे। रविंद्र प्रसाद सजे धजे भैंसे पर सवार होकर अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे थे। पीलीगंज अनुमंडल में और भी प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचे थे, लेकिन रविंद्र प्रसाद सभी के बीच चर्चा का विषय बने हुए थे। रविंद्र प्रसाद ने यह बताया कि यहाँ की लड़ाई अद्भुत होगी। यहाँ की समस्या रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा की है। अगर जनता हमें सेवा करने का मौका देगी तो हम अपने सभी कामों में पारदर्शिता लाएंगे। भैंसे पर सवार होकर पहुंचे रविंद्र ने बताया कि पीलीगंज में जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी और सुरक्षा की हम गारंटी देते हैं। रविंद्र प्रसाद से जब सरकार बनने के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, जनता तय करेगी, जनता की सरकार बनेगी, लेकिन बिहार परिवर्तन चाहता है और इस बार परिवर्तन होगा। रविंद्र प्रसाद अपनी जीत के प्रति काफी आश्वस्त दिखे और यह भी कहा कि जनता के लिए विधायक फंड बनाएंगे तो जनता की मर्जी से खर्च भी किया जा सकेगा। रविंद्र प्रसाद के अनोखे तरीके के नामांकन को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा रही। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के प्रथम चरण के मतदान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रशासन अपनी तैयारियों को अंजाम देने में लगा हुआ है। बिहार में 3 चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को घोषित होंगे। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।